आज 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले व प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे के आह्वान पर मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के जिलाध्यक्ष अजय द्विवेदी के नेतृत्व में कर्मचारियों की जायज मांग संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 प्रश्न क्रमांक 33.6 के अनुरूप नियमित करने विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर संविलियन अथवा संविदा में नियोजित करने राजस्थान छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाल करने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन व ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम श्योपुर कलेक्टर को सौंपा गया। इस अवसर पर अजय द्विवेदी मुकेश मेघवाल पवन सरगरा जीवन मेढ़ा अटल नागदा भूपेंद्र तोमर राकेश यादव निखिल पोरवाल राजकुमार महतो रामप्रकाश गुर्जर देवेंद्र कुशवाहा प्रकाश रावते मनीष गर्ग गुरजीत अरविंद ठाकुर के साथ सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। किस मामले को लेकर आप यहां कलेक्ट्रेट पहुंचे, किस बात का ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपकी? हम लोग मध्य प्रदेश संविदा ठेका कर्मचारी श्रमिक संगठन इंटक से हैं, सोपुर जिला के सदस्य हम लोग, जिसमें आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं। विगत 10 वर्षों से हम लोग संविदा में काम कर रहे हैं और काफ़ी कर्मचारी आउटसोर्स में हैं जिनको काफ़ी साल से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन शासन ने 2013 में जनसंकल्प में स्पष्ट लिखा था कि जैसे ही सरकार बनती है 2013 में प्रश्न क्रमांक 33.6 में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का उन्होंने वादा किया था, जो आज दिनांक नहीं हुआ है। उसी संबंध में हम लोग आउटसोर्स और संविदा की जो मांगे हैं वो लेकर आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ज्ञापन के रूप में, जो ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 15 अक्टूबर के दिन ग्वालियर में हम लोग एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रदेश के सारे संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए ऊर्जा मंत्री जी का घेराव करेंगे।